Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. So I hope ki aapki taiyari bahut acche se chal rahi hogi for UGC NET December 2019 attempt. Still hamare kuch students hain, hamare kuch viewers hain jinke hame regularly queries aa rahi thi ki due to some personal reasons, maybe kuch job karne ki wajah se ya fir कुछ जो स्टूडेंट्स हमारे एमकॉम परस्यू कर रहे हैं वो अपने एमकॉम के एग्जाम्स की वजह से या फिर एमकॉम की क्लासेस की वजह से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर पाए हैं एंड दे वांटेड अस कि हम 30 दिन की एक स्ट्रैटेजी लेके आएँ जिसमें हम उन्हें बताएं कि अब वो किस तरह यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं. सो आज मैं आपके सामने आया हूँ एक 30-day प्लान लेके, 30-day स्ट्रैटेजी लेके, जिसमें मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है. और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमने एक 30 डेज क्रैश कोर्स निकाला है जिसके अंदर हम पेपर वन की तैयारी 10 डेज में कराने वाले हैं एंड पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की तैयारी 20 डेज में कराने वाले हैं. सो इस 30 डेज प्लान के अंदर हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे ताकि आप 30 डेज के अंदर यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक कर पाएं. इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारी रिसेंट अपडेट्स मिलती रहें. आगे चलते हैं पेपर टू कॉमर्स के बारे में. सो जैसे कि मैंने बताया कि 10 दिन में हम पेपर वन की तैयारी करेंगे एंड हम 20 डेज के अंदर कोशिश करेंगे कि हम पेपर टू कॉमर्स की तैयारी कर पाएं. अगेन यहां पे मैं अपने क्रैश कोर्स के बारे में बता दूं, अगेन जो हमारी क्रैश कोर्स में चीजें प्रोवाइड होंगी 370 प्लस वीडियोज आपके लिए अवेलेबल हैं जो कि आपके सारे टॉपिक्स को कवर करती हैं जो कि पेपर टू कॉमर्स के अंदर आते हैं सिलेबस के अंदर. नेक्स्ट आपको सारी डाउनलोडेबल पीडीएफ्स अवेलेबल कराई जाएंगी जिसको आप प्रिंट करके पढ़ाई कर सकते हैं. अनलिमिटेड मॉक्स हमने प्रोवाइड किए हुए हैं जो यूजीसी नेट के लेवल से मैच करते हैं या आप कह सकते हैं उसे थोड़े से डिफिकल्ट रखे गए हैं ताकि आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके. एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा जिसमें आप लाइव डाउट सेशन ले सकते हैं. सो अगर आप इस समय हमारा क्रैश कोर्स खरीदते हैं जब हम 40% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे क्रैश कोर्स पे, तो हमारा क्रैश कोर्स पेपर टू का जो आपको अवेलेबल है उसकी प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ ₹1800 है. और अगर आप पेपर वन एंड पेपर टू कंबाइन खरीदते हैं तो जो आपको कॉस्टिंग पड़ेगी वो हो जाएगी 1200 प्लस 1800, दैट इज 3000 रुपीज़. सो पेपर वन एंड टू कंबाइंड अगर आप लेते हैं तो उसकी कॉस्टिंग 3000 रुपीज़ है. सिर्फ पेपर टू कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग 1800 रुपीज़ है. और अगर आप सिर्फ पेपर वन खरीदना चाहते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं तो उसकी कॉस्टिंग होगी ₹1200. सो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1200, 1800 एंड 3000 में आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी विथ प्रॉपर फैकल्टी गाइडेंस 24/7 जिसमें आप रेगुलर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. सो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 20 डेज के अंदर क्या स्ट्रैटेजी हमारी होने वाली है फॉर पेपर टू कॉमर्स. सो अब जैसे कि आपको पता होगा कि पेपर टू कॉमर्स जो है वो 10 टॉपिक्स या आप कह सकते हैं 10 सब्जेक्ट्स में बटा हुआ है. सो यहां पे हमने हर सब्जेक्ट को 2 दिन का टाइम दिया है ताकि हम एक सब्जेक्ट को 2 दिन में कवर करें. और अगर हम सिस्टमैटिकली इस प्लान को फॉलो करते हैं तो हम 20 दिन के अंदर पेपर टू कॉमर्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे. सो इस वीडियो में पहले मैं पेपर टू कॉमर्स के बारे में बात करने वाला हूं. सो आइए चलते हैं, देखते हैं. सो अगेन हम सेम मेथोडोलॉजी यूज करने वाले हैं जहां पे हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी कि आपको सारी की सारी पीडीएफ तो देखना ही है हर सब्जेक्ट के, प्लस जो वीडियोस मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आइडेंटिफाई करके बताऊंगा वो आपको देखने हैं एंड प्लस हमारे 100 एमसीक्यू क्वेश्चन जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो भी आपको सेम उस टारगेट 2 दिन के अंदर सॉल्व कर लेने हैं. इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर आंसर्स मिल सकें. ऑल्सो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो है 100 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं ये एक्सप्लेनेशन के साथ हैं. तो कई बार हमारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है कि उन्हें रीजन नहीं पता होता, वो क्वेरी भी हमने इस बार अपने क्रैश कोर्स में सॉल्व कर दी है. सो आपको क्वेश्चन के साथ साथ सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे. चलते हैं, देखते हैं पहला सब्जेक्ट कौन सा हम कवर करने वाले हैं. तो डे वन एंड टू में हम बिजनेस एनवायरमेंट कवर करेंगे. अब यहां पर स्टूडेंट स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है मेरी कि हम कोशिश ये करेंगे कि फर्स्ट डे में हम सारा का सारा स्टडी मटीरियल कवर कर लें और सेकेंड डे के अंदर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. अब यहां पे मैं क्यों आपको पूरा दिन दे रहा हूं 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस का, उसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि हमें सिर्फ क्वेश्चंस को देखना नहीं है बल्कि सारे के सारे जो ऑप्शंस है उन्हें भी इवैल्यूएट करना है. इसका मतलब लेट अस से कि हमें एक क्वेश्चन मिलता है जिसके अंदर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं.
सो दो हमने पूरी कोशिश करी है कि हमने सारे एक्सप्लेनेशंस के अंदर उन टर्म्स को समझाया है, बट अगेन अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमसे पूछ लीजिए और उनके सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते चलिए। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आप एक क्वेश्चन के अंदर चार कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं, विच इज मोर देन सफिशियंट। सो यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि फर्स्ट डे में आप सारे का सारा स्टडी मटेरियल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ PDFs अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखें, एंड सेकेंड डे आप 100 MCQ क्वेश्चंस को थॉरली कंसेप्ट क्लैरिटी लेते हुए प्रैक्टिस करें। सो आइए देखते हैं। सो बिजनेस एनवायरमेंट जो फर्स्ट टॉपिक है उसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, दैट इज टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट जिससे रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो काउंसिल्स है, स्टेट फॉरम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरम्स हैं, इन पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अगेन मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताना चाहता हूँ आपको कि ये वीडियो सिर्फ सजेस्टिव हैं। अगर आपको लगता है कि आपको PDF से क्लैरिटी मिल गई है तो इन वीडियो को देखकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इन वीडियोज़ को तभी देखें जब आपको PDF से क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आगे चलते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड नीति आयोग। अगेन क्योंकि नीति आयोग बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, करंट न्यूज़ में आता रहता है, इसलिए इससे भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कवर कर लें। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ एंट्री, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न। सो जैसे कि जो फर्स्ट आपका फर्स्ट यूनिट का सिलेबस अगर आपने देखा होगा फर्स्ट सब्जेक्ट का, वो बिजनेस एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस का कॉम्बिनेशन है। सो यहाँ पे जो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, दैट इज योर ट्रेड थ्योरीज, वेदर इट बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ हेक्सर रोलिंग थ्योरी है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी है, अलॉन्ग विथ काफ़ी सारी और थ्योरीज हैं, रिकार्डो की थ्योरी है, एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी है, ये सारी थ्योरीज आपसे पूछी जाती हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो ये सारी थ्योरीज का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये भी इंटरनेशनल बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको भी हमने एक वीडियो में कवर कर लिया है, तो अगर आप इन वीडियो को देखेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। अगेन मैं सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो सारी वीडियोज़ जो हमने बनाई हैं इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 hours है। इसका मतलब ये है कि 5 to 6 hours के अंदर आप इन सारी वीडियोज़ को देख पाएंगे अलॉन्ग विथ योर PDFs। तो अगर आप 5 to 6 hours में स्टडी मटेरियल को कवर कर पा रहे हैं तो आई थिंक बाकी टाइम में आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं और कंसेप्ट क्लैरिटी ले सकते हैं, बट आप 2 days ज़रूर दीजिए ताकि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपकी अच्छे से होल्ड हो जाए, आपकी अच्छे से ग्रिप हो जाए। आगे चलते हैं, Day 3 and 4 में यहाँ पे हम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कवर करने वाले हैं, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपको बता देता हूँ अपार्ट फ्रॉम PDF एंड 100 MCQ क्वेश्चंस, दैट इज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जिसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिनसे रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप दैट इज एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इससे भी गुडविल की कैलकुलेशन, रेशियोज, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इन वीडियोज़ में हमने इन टॉपिक्स को भी कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर लिया है। आगे चलते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक हैं, दैट इज बोनस इशू एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इन टॉपिक्स को भी हमने प्रॉपरली कवर कर लिया है। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, अगर आप इन वीडियोज़ को प्रॉपरली देख रहे हैं तो ये कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग ब्रेक इवन एनालिसिस, इससे भी रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है, डेट इज PV रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें हमने प्रॉपरली कंसेप्ट में समझाया है कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आगे अकाउंटिंग रेशियो एज वेल एज ऑडिटिंग, सो एक ऑडिटिंग की वीडियो बनाई है जिसमें हमने बहुत ही कंसाइज वे में सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट समझा दिए हैं, जिससे 2 to 3 अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सफिशियंट हो जाएगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो इस तरीके से अगेन आप इन इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखते हुए सारे PDFs को गो थ्रू करते हुए 100+ MCQ क्वेश्चंस लगा लेंगे तो आपका ये सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, Day 5 and 6 में यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमने कवर किया है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और ईजी सब्जेक्ट है इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स इन कॉमर्स। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपके ग्रेजुएशन का टॉपिक है, आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा बीकॉम ऑनर्स में। सो अगेन ये बहुत आसानी से कवर किया सकता है, हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में अपनी वीडियोस में इन टॉपिक्स को कवर किया है। आगे देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ARMR दैट इज एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे रेगुलर 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कंसेप्ट्स रिवाइज भी हो जाएंगे और अगर कुछ डाउट्स हैं आपके तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। थ्योरीज ऑफ कॉस्ट,
प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो यहां मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो कॉमर्स का सिलेबस है उसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, उसमें जो मेजॉरिटी या फिर आप कह सकते हैं जो पूरा सिलेबस है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के आसपास ही घूमता है। सो अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छे हैं तो वैसे भी आपको ये इसमें कम टाइम लगने वाला है। इसके बाद आप इसके 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस लगा लीजिए और आपकी इकोनॉमिक सब्जेक्ट की भी तैयारी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं डे 7 और 8 के लिए। यहाँ पे जो सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं वो है फाइनेंस या फिर आप कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत ही क्रूशल टॉपिक है। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं रिलेटिंग टू कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड डिसीजंस एक्सेट्रा, तो आप बहुत आसानी से इससे आने वाले क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज जो मैंने इसमें आइडेंटिफाई करी है वो ये हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन, IRR, ये कुछ मेथड्स हैं ऑफ कैपिटल बजटिंग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में आपने सुना होगा कि किस तरीके से क्या कॉस्ट इनकर होती है इन रेजिंग इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स एंड अदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोर्सेज और फाइनेंस, तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड अजम्पशन बेस्ड, या आप कह सकते हैं थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इन वीडियोस के अंदर बहुत आसानी से आपको कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है। आगे बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर वीडियोस के बारे में, जहाँ पे डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, एमएम अप्रोच है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन सारे टॉपिक्स को भी हमने बहुत ब्रीफली अच्छे से कवर कर लिया है। आगे देखते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ADR, GDRs, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछ ले जाते हैं, ये सारे टॉपिक्स इन पर्टिकुलर वीडियोस में कवर्ड हैं। सो अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए अपार्ट फ्रॉम गोइंग थ्रू द PDF, सो आपका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी बहुत आसानी से 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो सकता है। आगे चलते हैं डे 9 और 10 पे, जहाँ पे जो सब्जेक्ट हमें कवर करना है जो हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च। बट अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई है इन वीडियो से तो आप बहुत आसानी से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। सो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको देखनी है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जहाँ पे रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा, इन सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया इस पर्टिकुलर वीडियो में। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज बाइनोमियल, पॉइजन, इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेगुलरली। सो इन वीडियोज को अगर आप देख लेते हैं तो आपको प्रॉपर कंसेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। आगे चलते हैं कोरिलेशन डिग्रेशन का टॉपिक हो गया, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च हो गया। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक हैं वो भी स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में ओवरलैप हो रहे हैं, तो एक तरीके से जो आपने रिसर्च पेपर 1 में पढ़ा है, जो वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया है, वो यहाँ पे टाइम बचने वाला है, आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, सो आप स्टैटिस्टिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अनोवा एंड काई स्क्वायर, ये सारे टॉपिक्स जो बिल्कुल कोर स्टैटिस्टिक्स के हैं, स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं, बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में थ्रू एग्जांपल्स, थ्रू न्यूमेरिकल समझाए गए हैं। बट अगेन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसमें आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आते हैं, या फिर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस पे होते हैं। तो अगर आपने इन वीडियो से कंसेप्ट क्लैरिटी ले ली है एंड इसके बाद 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, सो आप प्रॉपरली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी कवर कर पाएंगे। आगे चलते हैं, 5 सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं हमने 10 दिन के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं डे 11 और 12 की, जहां पे हमने यूनिट 6 कवर करना है जो कि है बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM। अगेन थ्योरेटिकल टॉपिक है, 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वीडियोस को देखना, बट अगर आपको PDF से कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आप इन कुछ वीडियोस को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी की सारी जो वीडियोस मैं बता रहा हूँ उन्हें देखने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ PDF से ही देख के कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं तो आप सिर्फ PDF को देख लीजिए एंड 100 प्लस MCQs को सॉल्व कर लीजिए, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाएगा। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको वीडियो देखे बिना कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं आ रही है वहीं पे आप वीडियो को रेफर करें। आगे चलते हैं, देखते हैं किस कौन कौन सी वीडियोज इंपॉर्टेंट हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। वैल्यूज एंड एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, डिफरेंट मोटिवेशनल एंड लीडरशिप थ्योरीज। सो डिफरेंट मोटिवेशनल जो थ्योरीज हैं, दैट इज हर्ज़बर्ग थ्योरी हो गई, आपकी डगलस मैकग्रर की थ्योरी हो गई, नीड हायर की थ्योरी हो गई, और काफ़ी और थ्योरीज हैं, एडम्स इक्विटी थ्योरी हो गई, ये सारी थ्योरी से रेगुलरली नाम और उनका क्या एलिमेंट्स हैं ये रेगुलरली पूछे जाने लगे हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने प्रॉपरली इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर कर लिया है, सो इससे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी।
अगेन लीडरशिप थ्योरीज हैं, सिचुएशनल थ्योरीज हैं, ये सारी टॉपिक्स भी लीडरशिप की वीडियो में प्रॉपरली कवर की गई हैं। आगे चलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, जो कि एचआर रिलेटेड टॉपिक हैं, वो भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए गए हैं। वैसे अगर आप पीडीएफ से कवर करेंगे, क्योंकि हमने इन टॉपिक्स को ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, तो वहां से भी हमें काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। बट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर रेफर करें। आगे जो और टॉपिक्स हैं हमारे, वो हैं जॉब डिजाइन, जॉब इवैल्यूएशन। जॉब डिजाइन एंड जॉब इवैल्यूएशन ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको भी हमने ब्रीफ में एक वीडियो में कवर कर लिया है। सो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो सारा का सारा मेरा फोकस है वो कंसेप्ट क्लैरिटी पे है। अगर आपको पीडीएफ से कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाती है और उसके बाद आप 100+ एमसीक्यू क्वेश्चंस लगा लेते हैं और आप उन्हें प्रॉपरली सॉल्व कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा तैयारी हो गई है। और यहाँ पे क्योंकि टाइम कम है, इसलिए हमें स्मार्ट वर्क करना है, एंड द सेम टाइम हमें प्रॉपर सिस्टमैटिक अप्रोच भी फॉलो करना है ताकि हम सारा सिलेबस कवर कर सकें। सो कई बार आपने लोगों को सुना होगा कि लोग आपको कह देते हैं कि आधा सिलेबस करके चले जाओ या पास्ट ईयर्स लगा के चले जाओ। तो यहाँ एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि पास्ट ईयर्स में पैटर्न अप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि अब NTA नेट एग्जाम कराने लगा है तो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप मेन कोर सिलेबस को छोड़ दें और सिर्फ पास्ट ईयर को लगा के चले जाएं। इसलिए आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप सिर्फ पास्ट ईयर पे डिपेंडेंट रहें। जो कोर सिलेबस है वो तो हमें कवर करना ही है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने को बोल रहा हूँ थ्रू आर पीडीएफ। हमारी बहुत ही सिंपलिस्टिक पीडीएफ हैं जिसमें आपको पढ़ के बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमें कवर करना है वो बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, जो हमारा डे 13 एंड 14 का टारगेट होगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने आइडेंटिफाई करी हैं वो है फाइनेंशियल सिस्टम की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट की। सो इससे काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, इसलिए जो हमने 100 MCQ क्वेश्चन रखे हैं उसमें हमने एक मिक्स अप्रोच यूज़ किया है, जिसमें हमने कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी रखे हैं एंड MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी रखे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस की तरफ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड रीजनल रूरल बैंक्स। क्योंकि ये बैंकिंग का टॉपिक है, इसलिए रूरल बैंक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू देयर एस्टैब्लिशमेंट, रिलेटेड टू द कोलैबोरेशन दे हैव डन, एंड उनकी फंडिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी वीडियोज़ में कवर किया हुआ है। आगे चलते हैं डे 15 एंड 16 की तरफ। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है या जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिनके बारे में हम डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं, और हमने अपने ग्रेजुएशन में बहुत ही डिटेल में मार्केटिंग के 4 P's के बारे में पढ़ा हुआ है, और जो मेजॉरिटी क्वेश्चन होते हैं वो इन 4 P's के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो अगर आपको थोड़ी भी रिकॉलेशन है अपने ग्रेजुएशन के टॉपिक्स को, और अगर आप इसको बेसिकली सारे पीडीएफ्स के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं, तो मार्केटिंग के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। स्टिल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आइडेंटिफाई करी हैं, जो कि हैं इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग, जहां पे हमने अप्रोचेस कवर किए हैं। अगर आपको याद आ रहा हो कि मार्केटिंग के कुछ अप्रोचेस हमने पढ़े थे, दैट इज प्रोडक्ट अप्रोच, सोसाइटल अप्रोच, प्रोडक्शन अप्रोच, सेलिंग अप्रोच, तो ये सारे जो अप्रोचेस हैं, इन सारे अप्रोचेस को इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया गया है। आगे बात करते हैं STP की, डेटा सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड प्रमोशन। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए इनकी हमने सेपरेट वीडियोस बना दी हैं। सो अलॉन्ग विद PDF आप इन वीडियोस को देख लीजिए, ताकि इससे जो भी क्वेश्चन है आप उसको प्रॉपरली क्रैक कर सकें। आगे देखते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, दैट इज योर वन ऑफ द पीस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगेन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट्स बताया जाता है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट बताया जाता है, उसके बारे में हमने प्रॉपरली डिस्क्राइब कर दिया है। सो ये वीडियो आपको वो कंसेप्ट समझने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आगे चलते हैं डे 17 एंड 18 पे। अब यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है ऑल टुगेदर, विच इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। पहले ये UGC नेट कॉमर्स के सिलेबस में नहीं था, बट अब इसे ऐड कर दिया गया है। बट इससे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो इसके अंदर कुछ 4-5 लॉज हैं जो आपने अपने बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है,
स्टिल इन वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं तो बहुत ही कम समय में आप इन पर्टिकुलर कंसेप्ट को रिवाइज कर लेंगे अलॉन्ग विद द पीडीएफ्स। और एक बार आपने अपने कंटेंट पे कमांड बना लिए वीडियोस और पीडीएफ्स के थ्रू तो आप 100 प्लस एमसीक्यू देख के बाकी कंसेप्ट को थॉरो कर सकते हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज जो मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई करी है वो है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को भी बहुत ब्रीफ में कवर किया गया है, बट आपके लिए सफिशियंट होगा बिकॉज जो लेवल ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड जीएसटी। अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। इससे भी बहुत बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इस वीडियो में काफी ज्यादा बेसिक कंसेप्ट्स को उठाया गया है, बट अगर आप एक बार एक वीडियो को देख लेते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। अगेन मैं आपको दोबारा सेम चीज रिपीट कर रहा हूं कि आपको सारे पीडीएफ तो देखने ही है, उसके सिवाय इन आइडेंटिफाइड वीडियोज को देख सकते हैं, बट अगर आपको पीडीएफ से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो ज्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं 19th एंड 20th डे के ओर, जो कि आपका इनकम टैक्स का टॉपिक रहेगा। इनकम टैक्स से काफी ज्यादा रैंडम क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टिल हमने कोशिश करी है कि हमने आपके सारे टॉपिक पीडीएफ में कवर कर लिए हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जैसे कि रेसिडेंशियल स्टेटस। सो रेसिडेंशियल स्टेटस एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक से दो क्वेश्चंस रेगुलरली पूछ ले जाते हैं, तो अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस की वीडियो देख लेते हैं तो 15 से 20 मिनट में आप रेसिडेंशियल स्टेटस का कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। आगे चलते हैं, हेड्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो है सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रोविजंस फॉर क्लबिंग एंड सेट ऑफ। सो बहुत इजी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कितना अमाउंट आप क्लब कर सकते हैं या कब क्लबिंग के प्रोविजंस लगते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की बेसिक डिडक्शंस क्या हैं, सैलरी के अंदर ग्रेचुटी का क्या रेट है, ग्रेचुटी का क्या अमाउंट है, इन सारी चीज़ों को हमने कॉम्प्रहेंसिवली अपनी वीडियोज में कवर कर लिया है। सो अगेन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट डिडक्शंस जो कि 80s सेक्शन 80 के अंदर आती है, 80C 80D, इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितनी अमाउंट की डिडक्शन अवेलेबल है, तो ये भी आप बहुत आसानी से पीडीएफ के थ्रू भी याद कर सकते हैं। और अगर आपको उन डिडक्शंस को समझना है कि किस चीज़ से रिलेटेड हैं तो आप हमारी इन वीडियोज़ को भी रेफर कर सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स भी ऐड किए गए हैं टैक्स के सब्जेक्ट में, जो कि है ट्रांसफर प्राइसिंग एंड टैक्स कंसिडरेशन स्पेशल बिजनेस सिचुएशन, दैट इज मर्जर के केस में, एक्विजिशन के केस में किस टाइप के स्पेशल टैक्सेशन पॉलिसीज या फिर क्या स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, इसके लिए भी हमने एक एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो बना के इन टॉपिक्स को भी प्रॉपरली कवर कर दिया है। सो अगर आप इन वीडियोज को देख लेते हैं तो इनसे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आपने यहाँ पे देखा कि 10 डेज पेपर 1 स्ट्रैटेजी एंड पेपर 2 की जो 20 डे स्ट्रैटेजी है वो आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करने के लिए बोल रही है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप प्रॉपर अपने ऊपर बिलीफ रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं और इस सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आप 30 दिन के अंदर यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और मैं यहां पे दोबारा एक चीज पे फोकस करना चाहता हूं कि टाइम मैटर नहीं करता है कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं या 12 घंटे पढ़ते हैं, बट आपको इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के अंदर 30 डेज के अंदर प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट कर सिस्टमैटिकली कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चीज़ों को समझना है एंड आगे बढ़ना है। अगर आप बीच में कैजुअल हो जाएंगे, अगर आप बीच में सिर्फ क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं ले रहे हैं, तो ये 30 डे स्ट्रैटेजी आपके लिए यूजफुल नहीं होने वाली है। बट अगर आप सीरियस होके, फोकस होके, प्रॉपर प्लानिंग से पढ़ते हैं तो आप 30 डेज में ही यूजीसी नेट को क्रैक कर पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।